शिक्षा मंत्री माननीय चंद्रशेखर बाबू, हम आपको हृदय से प्रणाम करते हैं। पप्पू यादव पर फख्र कीजिए, मधेपुरा की धरती के लाल, पूर्णिया की धरती के लाल पर फख्र कीजिए कि आज पप्पू यादव बीजेपी का भी, बीजेपी के समर्थन करने वाले लोगों का, आरएसएस के साथ खड़े रहने वाले लोगों का वोट लेने के लिए सक्षम हुए हैं और वो लोग वोट देने के लिए तैयार है। ये फख्र की बात है, हमारा कमेंट क्या लीजिएगा, ये फख्र की बात है, फख्र की। खूब वीडियो वायरल कीजिए ना। पप्पू यादव ने थोड़ी कहा था खाली बीजेपी की बात, मैं फिर भी कह रहा हूं, अगर पप्पू यादव ने यह कहा होता कि सिर्फ हमको बीजेपी और आरएसएस वाला मदद कर रहा है, इस बात में भी कोई बात नहीं है। लेकिन वहां पप्पू यादव ने कहा था, पूरा वीडियो क्यों नहीं दिखाते हैं, उन्होंने कहा हमको एआईएम वाला, मुस्लिम लीग वाला, बीजेपी वाला, आरएसएस वाला, आरजेडी वाले सारे लोग मदद कर रहे हैं, उसको काट करके क्या दिखा रहे हैं, और काट करके भी दिखा रहे हैं, यह फख्र वाली बात है, शर्मिंदगी की बात नहीं है। और एक बात कह देते हैं शिक्षा मंत्री जी, राजनीति करते हैं तो इस जात की राजनीति से बाहर निकलिए और पप्पू यादव के स्टाइल में लोगों का सेवा करना शुरू कीजिए, नहीं तो पटना और दिल्ली में जो दुकान खोल के बैठे टिकट बेचने का, सबका दुकान बंद होने वाला है। और पूर्णिया के लोग यह मैसेज देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं कि दिल्ली और पटना में दुकानें बंद होने वाली हैं, जाति और धर्म की जो राजनीति कर रहे हैं। हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत बड़ा काम पूर्णिया की धरती से हो रहा है, राजनीति का शुद्धिकरण चल रहा है। हम खगड़िया के लोग और पूर्णिया में जो लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। उस उत्सव में हम लोग भी शामिल हैं और राजनीतिक शुद्धिकरण के यज्ञ में आहुति देने के लिए अभी पूर्णिया में ही हैं चंद्रशेखर बाबू। इस राजनीतिक शुद्धिकरण का जो यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ में आहुति देने के लिए हम खगड़िया से लोग आए हुए हैं। हम यहाँ पूर्णिया में कुछ कर नहीं रहे हैं, हम सिर्फ पूर्णिया के लोग जो लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं उसके जश्न में शामिल होकर आनंदित हो रहे हैं। और एक बात जान लीजिए, पप्पू यादव कि जितनी भी परिस्थितियां पैदा हुई, सारी परिस्थितियां पप्पू यादव का प्रकृति फेवर कर रहा है। ईश्वर जो है, जो प्रकृति के रूप में ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर पप्पू यादव के साथ में है। आज ये पप्पू यादव और ये पूर्णिया के जनता की ताकत है कि पप्पू यादव के बहाने कम से कम नरेंद्र मोदी को यहाँ सभा करना पड़ा, जबकि नरेंद्र मोदी के पार्टी के कैंडिडेट नहीं थे। पूर्णिया में भी, कटिहार में भी जदयू के कैंडिडेट थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री की सभा पूर्णिया में करानी पड़ी। और माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसको हिलना डुलना नहीं आता है, उसको रोड शो करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और आपके आदरणीय नेता, अहंकारी नेता मैं नहीं कहूंगा, ये धृतराष्ट्र के दुर्योधन जो हैं, उसके युवराज जो हैं, उनको पूर्णिया में कैंप करना पड़ रहा है, सभा में लोग नहीं हो रहे हैं। और आप आरएसएस बीजेपी में पड़े रहिए, मुसलमानों को डराते रहिए, ये बीजेपी वाला है, आपके नेता बोलते हैं, शर्म नहीं आती? तेजस्वी यादव ने क्या कहा पूर्णिया में, सुने कि नहीं? वीडियो भेजो चंद्रशेखर बाबू कि दो ही धारा है रे भाई, एनडीए की धारा है, इंडिया की धारा है, इधर उधर मत बटना। जिसके खिलाफ आप लड़ाई लड़ने का दम भरते हैं उसको वोट मिल जाए ठीक, लेकिन पप्पू को वोट नहीं मिलना चाहिए। कितना गिरोगे आप लोग? लोगों ने आपके मंसूबे को समझ लिया है और आपके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। कम से कम पूर्णिया की महान जनता ने आपके चाल को, आपके षड्यंत्र को, जो शुरू से ही आप पप्पू यादव के साथ कर रहे हैं, उसको पूरी तरह समझ लिया है। और जवाब आपको 26 तारीख को मोहर लगेगी और 4 को परिणाम देख लीजिएगा। पूरा भारत पूर्णिया को देख रहा है और पूरा विश्व 4 तारीख के बाद पप्पू यादव को देखेगा। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, प्रणाम।